देखने जाएंगे? Yes. मजा आएगा। कहाँ पे हो रही है शिव जी भगवान की शादी? शिव जी की बारात निकलेगी इस मंदिर से। सच बोल रहा हूँ मैं, निकलती है यहाँ पे। नहीं, जहाँ पे हम मंदिर में जाते थे, मेरे को बताया आज किसी ने, कल वहाँ से बारात निकलेगी शिव जी की। कहाँ पे? वहाँ पे उस टेम्पल में। फिर कुछ जाने वाले टेम्पल में जिसमें हम जाते थे, जिसमें एक बड़ा कुआं है, वेल। देख, कल से मसेडू और मक्खियां पैदा हो जाएंगी बेटा। क्या बात है सर, क्या बात है। हे भगवान, कल वो सारे जीव जंतु पैदा हो जाएंगे जो सर्दियों में छुप गए थे। अरे वाह, फाइनली हमारा पिज्जा आ गया। ओवू, आर यू रेडी टू ईट दिस? हाँ जी, हाँ जी। इधर आ तू, पिज्जा और ये इधर आ, इधर देख, इधर देख। मम्मा ने क्या बोला था, हम पिज्जा नहीं खाएंगे। क्यों खा रहे हो बाप पिज्जा? तो ये है पिज्जा साथ में। हमारा पिज्जा आ गया। ओह, फाइनली हमारा पिज्जा आ गया। की लिप स्किन कितनी सुंदर लग रही है, आप तो पूरे नहीं हो। है सुंदर लग रही हूँ मैं। तो ये है ओवू का ओरियो शेक, और ये है ओवू, एंड दिस इज चिराग, पेरी पेरी फ्राइज, और ये है हमारा पिज्जा, पेरी पेरी फ्राइज, और साथ में ये है स्टफ गार्लिक ब्रेड। ओ, स्टफ गार्लिक ब्रेड। एक बात बोलूं मैं, वैसे तो हमने ये सब छोड़ दिया था, जैसे कि मैं बताती हूं, लेट मी टॉक ओवी, बात कर लूं। लेकिन आज शायद चिराग, इन विंटर्स में हमारा ये पैरा पिज्जा है ना, तो वाओ, तो विंटर्स खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुके हैं। 1 वीक और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, और इस बार विंटर्स में हमने सिर्फ आज पहली बार ही पिज्जा मंगवाया। जब विंटर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं लूंगी आइसक्रीम 10 आइसक्रीम। तो चलो अब अपने पिज्जा खा लेते हैं। देखो कल बेटा फास्ट भी है कल। कल है शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। हां जी, भोलेनाथ को हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे भोलेनाथ। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। क्या क्या करना है सबको बोल दो हैप्पी शिवरात्रि। पहले तो बताओ क्या क्या करना है कल हमने। ये नहीं बताएगी तो अब हम पिज्जा खा लेते हैं। तू उठा ले अपना, ले। मैं उठाऊं मेरा ओरियो शेक? ले ले, पकड़ ले। तो इधर चिराग जो हमारा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वो डाल रहे हैं पिज्जा पे, और ये रही चिराग की पहली बाइट। कैसा लग रहा है चिराग एक अरसे के बाद पिज्जा खा के? मजा आ गया ना। मैंने ना अपनी एक फ्रेंड की वीडियो देखी थी, तो वो लोग गए हुए थे, अभी वैलेंटाइन था ना, वैलेंटाइन पे बाहर गए थे, उन्होंने वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, और सीरियसली उस पिज़्ज़ा को देख के ना मेरा भी मन कर गया। तो बस अब मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, मैंने एक बाइट लिया और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो दोनों भूखर मेरा सारा पिज़्ज़ा खा जाएंगे। हेलो भूखर। हेलो भूखर। हेलो हेलो गाइस भूखर। तो ये रहा मेरा पिज्जा, और ये रही पिज्जा की पहली बाइट। क्या हुआ है चिराग आज तुम्हें? पहले तो गुड मॉर्निंग ओवू, हैप्पी शिवरात्रि बेटा। गुड मॉर्निंग। शहद को ही हनी बोलते हैं। पानी, खीर, और क्या क्या चढ़ाएंगे? पत्ते, और किस चीज के पत्ते? कदूरा के पत्ते। धतूरा। बस बस रहने दो,
दो दिन तुमने बहुत काम किया है। और क्या काम किया भाई तुमने? बर्तन धोए। बर्तन धोए इस चिराग ने सिर्फ दो दिन, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके अलावा ओवो के लिए खाना। ओ वाह वाह, ओवो को तैयार किया। ओ नहाई भी नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो चिराग ने कल ओवो को इतना लेट कर दिया स्कूल के लिए, नहाया भी नहीं इसको, खाना बल्कि मैंने बनाया। मतलब किसी काम के नहीं होते यार ये लड़के। अगर एक दिन भी एडजस्ट करना पड़े ना, ये लोग नहीं कर सकते। लड़कों को ना सबसे पहले काम करना सिखाना चाहिए। बनाया होता है ऐसे इन लड़कों को। और देखो यार बाहर का मौसम देखो, आज शिवरात्रि है और कल इतनी गर्मी थी इधर, और आज धुंध देखो। आज मौसम तो बिल्कुल ही अलग हो गया। बहुत ठंड हो गई है यार। यार ये एकदम से ही कितनी ठंड हो गई थी आगे ना। चले आएंगे हम तो। चलो आज की मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे हम एक कप चाय से। हम ना बड़ी अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं। कल हमने पिज्जा खाया रात को और अभी चाय पीने का मन है, क्योंकि चिराग ने बर्तन धोए थे ना रात को, तो चिराग का बड़ा मन हो रहा है चाय पीने का। तो चलो आज चिराग के लिए चाय बना देते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहली चीज चिराग चाय पियेंगे। और ये बर्तन कल चिराग ने धोए थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। तो बोलते हैं दो दिन से तो मैंने सारा काम किया। आज तो नहीं नहीं सुबह सुबह कहाँ पीती हूँ मैं चाय। तो मेरे लिए लाई दो तो और भी ले कुछ खाने को। वाह यार एकदम से ही मौसम चेंज हो गया यहाँ का। रात को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी और उन्हें अपनी स्वेटर वगैरह खोल के सोई है, उसको मैं स्वेटर के साथ सुलाती हूँ। और सुबह उठते ही मौसम देखो, सर्दी आ गई वापस। पर मुझे लगता है ये दूध ना ऐसी ही है, चली आएगी हो जाएगी ठीक। ऊपर देखो हमारे सूर्य देव छुप गए हैं धुंध में। आज चिराग देखो पकौड़े लेके आए, उधर लंगर लगा हुआ था, पता नहीं कैसे चले गए। मैंने तो ऐसे ही बोला मजाक में कि तुम ही ले आओ पकौड़े। ये आंटी है यहाँ पे जो मकान वाली है ना हमारे, उनकी बहन है। चिराग ने इनको एक पकौड़े की प्लेट दे दी और आज छुट्टी थी तो चिराग ने वॉश किया ये बाहर वाला बरामदा। और अभी देखो ये दोनों, वाह चाय भी लेके आ गए। तो एक और प्लेट ले आते भाई, तीन ले आते। एक और ले आते तो तीन ले आते। मैं बनाती हूँ पकौड़े, उसको बोल तो अच्छे नहीं बने, हम नहीं खाते पकौड़े। और यहाँ पे देखो कैसे लगे पड़े हैं दोनों। और वो कैसे कैसे हैं? फिर ऐसा लगता है जैसे मैंने तेरे को रोटी नहीं खिलाई है आज। चाय पी के काले भी होते हैं वो। तो देखो मैं काली होगी और क्या। आजा इधर आजा। मैंने ओबू को इतने अच्छे से तैयार किया था, ऊपर हिमाचली टोपी लगाई थी और ये देखो क्या बंदरी बन गई। बेटा ये लिपस्टिक किसने लगाई आपको? ये बिंदी। और बालों का क्या किया मम्मा?
तो अभी ओबू और चिराग जा रहे हैं टेम्पल, क्योंकि आज है ओबू के भोलेनाथ की शादी और इसलिए ओबू उनको हाँ ये भोलेनाथ भी बनी थी, तो उनकी भोलेनाथ को कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रही है ओवी। और क्या बोलना है, और मैं टेम्पल नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर रुक के इनका वेट करूंगी। ये दोनों बाप बेटी जाएंगे अंदर टेम्पल और बहुत लेट हो गया, अभी बज रहे 2 और कल इन्होंने इतनी नाटी थी पाई दी, यहाँ तो बह गए उठना नहाना धोना भाई व्रत करने एक व्रत या तो सही हो व्रत रुक तो सही व्रत ये आजकल मतलब मैं इसके साथ ट्राई करती हूँ पहाड़ी में बात करने की, ताकि इसको आए हिमाचली, ये आनी चाहिए। और मुझे बहुत फील होता है जब मैं इसको बोलती हूँ कि वो बात करके दिखाओ और ये बात नहीं करती, क्योंकि यार हिंदी और इंग्लिश तो हम सीखते ही हैं, बाहर जाएंगे काम करेंगे वो तो आ ही जाती है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना अपनी बेटा ये बहुत ज़रूरी है, तो ये पंजाबी मिक्स कर देती है। अच्छा अच्छा चल जरा पहाड़ी में सुना स्टोरी सुना, मुझे नहीं आती पहाड़ी। अच्छा अभी नहीं सुनाने लगे थे आप, एक बारी एक भिंडी हुई। हाँ, एक बारी ना एक भिंडी हुई और एक बारी आलू हुआ, फिर उसमें से एक लड़ाई हो जाएगी दोनों दी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी भिंडी बोल दी कि देख मैं भिंडी बोला फेरी भिंडी बोला ही भिंडी नहीं भिंडी भिंडी बोला ही भिंडी बोला ही ना देख मैं कितनी पतली हूँ और तू कितना मोटा। अरे पहाड़ी में बोल देख हम कितनी पतली कितने देख तुके? देख हम कितनी पतली तू कितना मोटा। बस रहने दे मुझे नहीं आती पहाड़ी। आई थी जो पहाड़ी पर तू बब्बा लेट लग रही सुनाना। तो अभी चिराग अपने शूज वेयर कर रहे हैं और काफी लेट हो चुका है। चिराग रात को इतने एनर्जेटिक वे में बोल रहे थे, हाँ मेरा तो व्रत नहीं है, वहां करना नहीं है, बैगा उठने भी इधर दिखाओ अपनी शक्ल भले कल लेने आऊंगा व्रत करने का मजा, मैं नहीं कीते थे चिराग भी नहीं करना व्रत पता बैगा भाई, हाँ नहीं नहीं मेरा तो व्रत है, मेरा तो व्रत है एक वो एप्पल खाया उसके बाद दवाई खाई और थोड़ी देर ना अड़ी ये तो नहीं माल ही नहीं होना ना आऊँगा करा एक परांठा बनाई दे जो। चलो ठीक है फिर हम चलते हैं यार बहुत लेट हो गया है। ओबू बाय तो हम रोपड़ जा रहे थे ना, तो रोपड़ जाते हुए यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल है वो मेन मतलब शिव जी भगवान जी का ही टेम्पल है, तो हमने यहाँ आना था। और जो रोपड़ में है ना वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो मतलब बहुत सारे टेम्पल इकट्ठे हैं यहाँ पे, तो बस यहाँ पे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना अभी बहुत ही ज़्यादा, तो बस मैं यहाँ पे बैठ के इन दोनों का वेट कर रही हूँ, इन दोनों को थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। ओ कितनी लंबी लाइन है बाबा। प्रसाद ले लो बोलो प्रसाद। चलो दर्शन कर लिए भोले बाबा के दर्शन। चलो क्या हो गया कहाँ पे?